मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में अकेले एनसीपी के विधायक जयदत्त क्षीरसागर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में चुनाव नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस एनसीपी के अलायंस को झटका लगा है, क्योंकि कद्दावर नेता जयदत्त क्षीरसागर ने एनसीपी का साथ छोड़ शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जयदत्त ने बताया कि एनसीपी के काफ़ी करीब रह चुका हूं, मगर पिछले कुछ सालों से ऐसी घटना घटी है जो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी की गई है, इसलिए मैंने एनसीपी से इस्तीफा देकर शिवसेना में शामिल हुआ। ओमान में बादल फटने से भारत के एक ही परिवार के 6 सदस्यों सहित 9 शिशु बह गया। मुंबई पुलिस ने बताया है कि महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक खैरुल्ला खान अपनी पत्नी बेटे बहू के साथ ओमान में अपने ही परिवार के सदस्यों से मिलने गए थे। यह हादसा ओमान की राजधानी मस्कट से 126 किलोमीटर दूर वादी बानी खालिद में हुआ है। इस हादसे में खैरुल्ला खान, उनकी पत्नी शबाना, बहू अरसी, पोते पोती सहित एक व्यक्ति बह गए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बार से 13 महिला डांसर सहित 18 लोगों को अश्लील कृत्य में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। स्थानीय अपराध शाखा ने मंगलवार को वसई स्थित एक बार पर छापा मारकर प्रबंधक और 2 वेटर, 1 ग्राहक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर धारा 294 अश्लील कृत्यों और में शामिल और महाराष्ट्र पुलिस कानून प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की अखिल भारतीय सेना के मावल तालुका अध्यक्ष समेत 3 लोगों को अवैध असलहे के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिंपरी चिचमट पुलिस की क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 की टीम ने 3 आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के नाम चरण बाला साहब, प्रदीप शिवाजी खरड़े, राजू शिवपाल परदेसी है। फैजाबाद के रेलवे स्टेशन पर चल रहे निःशुल्क जल सेवा शिविर में उत्तर प्रदेश के स्काउट गाइड जिला संगठन कमिश्नर अनूप मल्होत्रा, ट्रेनिंग काउंसलर गौरव सिंह, विशाल पांडे, राजेंद्र वर्मा, संगीता चौरसिया, अंजलि गुप्ता मौजूद थी। अनूप मल्होत्रा ने बच्चों के कार्य को देखते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया और बच्चों को उत्साह भी बढ़ाया। इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि सीओ सिटी अयोध्या थे। रोटरी क्लब द आर्ट ऑफ लिविंग अपना फाउंडेशन के लोगों के साथ बच्चों ने रेल यात्रियों को गर्मी में शीतल जल पिलाकर यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान लाई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।